सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको हुआवे मेट 40 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन हुआवे मेट 40, 40 प्रो, 40 प्रो प्लस तीनों स्मार्टफोन के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्या स्पेक्स है, क्या प्राइसिंग है। और दोस्तों हुआवे ने कल जितने भी अपने लॉन्च इवेंट में जितने भी दोस्तों अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया ना, सबके प्राइसेस आपको बताता हूँ, तो सारी जानकारी आपको जल्दी से देता हूँ मैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, कल दोस्तों मैंने ओप्पो A33 2020 के ऊपर एक वीडियो रात में अपलोड किया था, अगर नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके देखिए सारे स्पेक्स, प्राइस और दोस्तों इंडियन अवेलेबिलिटी, और दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। नहीं देखे तो जरूर से चेकआउट करिएगा और आई बटन के सारी वीडियोज पर चेकआउट करिए, बहुत अच्छी वीडियोज बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं हुआवे मेट 40 के स्पेक्स के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पर दोस्तों आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है और 402 की PPI देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों बात कर ले कैमरास के बारे में, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का आपको दोस्तों यहाँ पर वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा और 16 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो देखने को मिलेगा और 13 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, जहाँ पर आप दोस्तों सेल्फी ले सकेंगे पंच होल डिस्प्ले के साथ। और दोस्तों ये वाटरफॉल डिस्प्ले है, यानी कि कोने से मुड़ा रहेगा और दोस्तों वाटरफॉल की तरह रहेगा, देखने में स्मार्टफोन काफी अच्छा लग रहा है वैसे। और दोस्तों अगर बात कर ले और स्पेक्स के बारे में, तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो ऑप्टिकल दोस्तों ऑप्टिकल वाला अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 4200 mAh का बैटरी रहेगा और दोस्तों यहाँ पर आपको 40 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बात कर ले परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस के बारे में मत पूछो यार, परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको दोस्तों एकदम तगड़ा वाला देखने को मिलेगा तीनों स्मार्टफोन में। दोस्तों आपको बहुत ही दोस्तों यहाँ पर क्या बोलूँ, सब नहीं है, इतने अच्छे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको किरिन का लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, किरिन 9000, जो दोस्तों 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 5 नैनोमीटर, अभी तक दोस्तों दो ही प्रोसेसर कमर्शियली अवेलेबल हो पाए हैं, एक एप्पल का A14 बायोनिक चिपसेट है जो आपको एप्पल आईफोन 12 सीरीज में देखने को मिलेगा, और दोस्तों दूसरा ये हो गया किरिन 9000। ये दोस्तों 5 नैनोमीटर पे बेस्ड सबसे पहले प्रोसेसर हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, माली G78MP22 आपको दोस्तों यहाँ पर GPU देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम हाई ग्राफिक्स पे भी गेम खेलोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से यहाँ पर यूज कर सकोगे स्मार्टफोन को। अगर दोस्तों बात कर ले और स्पेक्स के बारे में, तो LPDDR4X RAM मिलेगा आपको और दोस्तों UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बात कर ले बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो ग्लास बैक देखने को मिलेगा, ग्लास फ्रंट देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम यहाँ पर दोस्तों फ्रेम देखने को मिलेगा आपको, IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप दोस्तों 2 मीटर तक लेके जाएंगे पानी में तो 30 मिनट तक दोस्तों टिक जाएगा। स्मार्टफोन दोस्तों काफी ड्यूरेबल है, बहुत ही अच्छा दोस्तों बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो 8128 बेस वेरिएंट है आपको दोस्तों 78,170 रुपए का देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हुआवे मेट 40 प्रो के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.76 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन की बात करें तो 1344x2772 पिक्सल्स देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बात करें और स्क्रीन स्पेक्स के बारे में, तो HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है और दोस्तों यहां पर आपको 456 PPI देखने को मिलेगा और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें स्क्रीन की एक्सपेक्ट रेटियो के बारे में, तो 18.5:9 एक्सपेक्ट पे दोस्तों ये स्मार्टफोन बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन थोड़ा लंबा रहेगा और थोड़ा सा पतला टाइप का रहेगा, तो इन हैंड फील दोस्तों बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। ये बात दोस्तों थोड़ा सा अच्छा लगा कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन में दोस्तों इन लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट रेटियो भी चेंज कर देते हैं, जिससे दोस्तों स्मार्टफोन का लुक चेंज हो जाता है, बाकी उससे थोड़ा अलग दिखता है। अगर दोस्तों बात कर ले हम लोग यहाँ पर कैमरा सेटअप के बारे में, तो 50 मेगापिक्सल का आपको दोस्तों वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है। अगर दोस्तों बात कर ले सेल्फी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेल्फी देखने को मिलेगा। जो दोस्तों सेकेंडरी सेंसर रहेगा वो TOF 3D यहाँ पर दोस्तों सेंसर देखने को मिल रहा है, जो आपको दोस्तों 3D फेस बनाने में, फेस ID यूज करने में आपका दोस्तों ये मदद करेगा। यानी कि दोस्तों अभी तक आप देखते होंगे कि एंड्रॉइड फोन में दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू फेस अनलॉक होता है, ठीक, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हार्डवेयर लगा नहीं होता, सॉफ्टवेयर से दोस्तों यहाँ फेस अनलॉक हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आप आईफोन्स में देखते हैं, जो बड़ा सा नॉच होता है वहाँ पर दोस्तों हार्डवेयर लगा रहता है, जिससे दोस्तों यहाँ पर फेस आईडी मैच करता है और बायोमेट्रिक से दोस्तों हम लोगों का खुल जाता स्मार्टफोन। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर इस सेंसर का यूज किया गया है, यहाँ पर दोस्तों हार्डवेयर है, उसी से दोस्तों आपका फेस अनलॉक होगा और भी दोस्तों इसके बहुत सारे यूजेस हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं बैटरी सेक्शन के बारे में, तो 4400 mAh का बैटरी मिलेगा, 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है,
50 वॉट का दोस्तों यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा और 5 वॉट के रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर दोस्तों बात कर ले हम लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, तो वही सेम चिपसेट देखने को मिलेगा क्रेन 9000 जो दोस्तों 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी में बेस्ड है, लेकिन यह जीपीयू चेंज हो जाएगा, माली G78 MB24 देखने को मिलेगा जो हुआवे मेट 40 से और अच्छा जीपीयू प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वही दोस्तों सेम आपको ग्लास बैक ग्लास फ्रंट देखने को मिलेगा, IP68 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्टाइलस का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा मेट 40 प्रो में। अगर दोस्तों बात कर ले प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको 104,228 रुपये देना पड़ेगा 8-256 इसका बेस वेरिएंट है। अगर दोस्तों बात कर ले सबसे हाईर वेरिएंट के बारे में जो है दोस्तों हुआवे मेट 40 प्रो प्लस, ये दोस्तों बिल्कुल सेम स्पेक्स आपको प्रोवाइड कर देता है जो आपको हुआवे मेट 40 प्रो देता है, बस यहाँ पर दोस्तों कैमरा थोड़ा चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो देखने को मिलेगा और 20 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, A to Z सेम है। बस दोस्तों यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है, बाकी सब कुछ पूरा स्पेक्स डिजाइन लुक्स सब कुछ सेम है। तो दोस्तों हुआवे ने सिर्फ ये 3 स्मार्टफोन को लॉन्च नहीं किया था, और भी उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। यहाँ पर दोस्तों हुआवे का पोर्शे एडिशन हुआवे मेट 40 RS ये दोस्तों स्पेशल एडिशन है, इसकी प्राइसिंग है 1,99,200 रुपए यानी कि 2,00,000 रुपए। और दोस्तों यहाँ पर M Pen 2 इसका प्राइस है 8,600 रुपए और हुआवे का दोस्तों स्मार्ट वॉच GT 2 इसका प्राइसिंग है दोस्तों आपको 60,400 रुपए। फ्री बर्ड्स स्टूडियो इसकी प्राइसिंग है 26,000 रुपए। Eyewear 2 जो दोस्तों स्मार्ट ग्लासेस है उसकी प्राइसिंग है 26,000 रुपए। और दोस्तों यहाँ पर हुआवे का साउंड है 17,302 रुपए का और राइट रिंग केस दोस्तों इसका प्राइस है 6,000 रुपए। तो दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स दोस्तों लॉन्च किया था कल हुआवे। यहाँ पर दोस्तों तीनों स्मार्टफोन काफी अमेजिंग है, काफी प्रीमियम यहाँ पर दोस्तों स्पेक्स प्रोवाइड कर देते हैं आपको। यहाँ पर दोस्तों मेरे को सबसे अच्छा हुआवे मेट 40 लगा, 70,000 रुपए में बहुत अच्छे स्पेक्स आपको प्रोवाइड कर देता है। अब दोस्तों बात करते हैं अवेलेबिलिटी के बारे में, तो ये स्मार्टफोन सिर्फ आपको चाइनीज मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, ना ही फॉरेन कंट्री में लॉन्च होंगे ना ही इंडिया में लॉन्च होंगे। तो ये बहुत दुख की बात है क्योंकि दोस्तों हुआवे हर जगह बैन होते जा रहा है, तो उसके प्रोडक्ट्स भी दोस्तों आपको कहीं लॉन्च होते हुए नहीं दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर गूगल प्ले सर्विसेज का यहाँ पर सपोर्ट नहीं होगा, हार्मनी OS देखने को मिलेगा हुआवे का। तो दोस्तों आई होप तो कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, चैनल पे अगर नहीं आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये सब प्रोडक्ट्स जितने भी थे हुआवे मेट 40 सीरीज को लेकर और जितने भी प्रोडक्ट्स थे आपको कैसे लगे, मेरे को दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और तीनों स्मार्टफोन्स में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा ये भी बताइएगा। तो दोस्तों आप देखे होंगे कि मैं यहाँ पर मेरा जो दोस्तों यहाँ पर कैमरा का जो दोस्तों यहाँ पर एंगल है बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो को मैं 7 बार शूट किया हूँ। यहाँ पर दोस्तों हर जगह यहाँ पर नॉइज है, घर बन रहता है भाई ना, इसी वजह से दोस्तों मैं अलग अलग टाइम पर शूट किया हूँ, इसलिए दोस्तों आपको कैमरा एंगल चेंज दिखाई दे रहा होगा। लेकिन वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन सही टाइम पर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैं मिलता हूँ सभी से अगले और एक नई वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। Tired of starting over. Stop giving up.